Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. पूर्व विधायक अमित अग्रवाल की प्रत्याशी के रूप में आज वापसी हो गई। करीब 20 साल के अंतराल के बाद उनकी मेहनत रंग लाई और पार्टी ने एक बार फिर से उन पर अपने भरोसे की मोहर लगा दी। अमित अग्रवाल को कैंट से भाजपा का प्रत्याशी बनाया गया है। इस सीट पर अमित अग्रवाल की जगह कभी सत्यप्रकाश अग्रवाल काबिज हुए थे। आज फिर से सत्यप्रकाश अग्रवाल की जगह पार्टी ने अमित अग्रवाल को रिप्लेस कर दिया। आज जैसे ही अमित अग्रवाल के नाम की घोषणा हुई, भाजपा कार्यकर्ताओं के चेहरे पर कमल खिल गया। उनके आवास पर जश्न के माहौल के बीच तमाम कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने उनकी जीत के लिए कंधे से कंधा मिलकर चुनाव लड़ाने की बात कही। इस बीच फर्स्ट बाइट से वार्ता करते हुए पूर्व विधायक अमित अग्रवाल ने यह कहा। विधायक जी, आपका टिकट वाइज कैसा लग रहा है और किस तरह के जो दाई आ रही है, किस तरह का महसूस हो रहा है? भाई, टिकट जिसका हो जाता है उसको तो अच्छा लगता है। पिक्चर का टिकट मिल जाओ या चुनाव में विधायक का टिकट मिल जाओ, एमपी का टिकट मिल जाओ, अच्छा ही लगता है उसे तो। जी, चुनाव में आपके सामने काफ़ी जो उस तरह के मजबूत लोग हैं, तो उनको किस तरह से चुनौती देंगे? मेरे खिलाफ मजबूत कोई है ही नहीं। मैंने तो कांग्रेस और बसपा का कैंडिडेट जब मिला के था रमेश झिंगड़ा, उसको हराया और रिकॉर्ड मतों से हराया था। क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव? मेरा मुद्दा विकास का मुद्दा, मेरा मुद्दा पार्टी ने जो मुद्दा लिया जनता की सुरक्षा का मुद्दा, मेरा मुद्दा मोदी जी ने जो सीमाओं की सुरक्षा का मुद्दा लिया वो मुद्दा, जनता की सेवा का मुद्दा, महिलाओं की सेवा का, महिलाओं के लिए 12 करोड़ हमने जो है शौचालय बनवा के दिए हैं मोदी जी ने, और 8 करोड़ उज्ज्वल गैस के कनेक्शन दिए हैं, वो सब मुद्दे हैं जो जनता को सहायता दी जा रही है, राशन दिया जा रहा है फ्री, ये सब सेवा के, विकास, सुरक्षा और सेवा, ये मुद्दे हैं जिस पर पार्टी ने काम किया है, वही हमारे मुद्दे हैं। कैंट की जनता के लिए कुछ करना चाहेंगे? कैंट की जनता के लिए, कैंट ने हमेशा भाजपा का साथ दिया है और हमेशा भाजपा का विधायक जिताया है। 1989 से बीजेपी को जिताती आ रही है कैंट की जनता, और अब भी कैंट की जनता स्वयं कार्यकर्ता बनकर घर घर एक दूसरे से कहकर वोट डलवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, भारतीय पार्टी ने जो कार्यकलाप हैं, जनता की जो सेवा की है वो एक दूसरे को बताकर, जिसको विस्परिंग कंपेन कहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करके, और मतदान को अधिक से अधिक मतदान, यानी कि 100% मतदान की हमारी अपेक्षा रहेगी और प्रयास रहेगा, उसको हम करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।